नमस्कार, 150 गांव 150 खबर में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुनीता राय शर्मा। फटाफट नजर डालते हैं 150 खबरों पर। शुरुआत बीकानेर से। बीकानेर के मुवासर में दो दिवसीय बाबा रामदेव मेले में कुश्ती प्रतियोगिता का भी आयोजन। इस मौके पर संसदीय सचिव डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल सहित प्रधान ने शिरकत की। इस दौरान मेघवाल ने किसानों को कृषि बीमा योजना के बारे में जानकारी दी, साथ ही कहा कि ये योजना किसानों के लिए वरदान। बीकानेर के भल्लूरी आरडी 860 में बीसीएमएचओ ने स्कूलों का निरीक्षण किया। इस दौरान बच्चों को स्वास्थ्य शिक्षा का पाठ पढ़ाया। बीकानेर के महाजन में विद्युत विभाग हादसे को निमंत्रण दे रहा है। 11,000 केवी की लाइन से जुड़ा ट्रांसफार्मर गिरने के कगार पर। आम रास्ता होने से स्कूली बच्चे और ग्रामीणों का आना जाना भी लगा रहता है, जिसके चलते हादसे का आशंका बना हुआ है। बीकानेर के सूरसर में बाबा रामदेव मेले में ग्रामीणों की भारी भीड़। मेले में दंगल प्रतियोगिता का भी आयोजन। बीकानेर के रामबाग में अज्ञात लोगों ने आर्मी के फोन के तार लाइन से काट दिए, जिसके चलते आर्मी का दूसरी यूनिट से संपर्क टूट गया। बाड़मेर के धोरी मन्ना में निजी बस और बोलेरो की भिड़ंत। हादसे में बोलेरो चालक की मौके पर ही मौत, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल। बाड़मेर के गुढ़ा मलानी में पिरानी गोदारों की ढाणी में आग लग गई। तेज हवा के चलते आग ने एक के बाद एक तीन झोपड़ों को चपेट में लिया। आग से घरेलू सामान जलकर खाक, वहीं पीड़ित परिवार ने नुकसान की मुआवजे की मांग की। बाड़मेर के गुढ़ा मलानी में एसडीएम ने पंचायत समिति सहित आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान पंचायत समिति मुख्यालय में कार्मिकों की उपस्थित कॉलम 11 फरवरी से खाली पाए गए। बाल विकास परियोजना अधिकारी भी अनुपस्थित पाए गए। वहीं निरीक्षण के दौरान 3 आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद। झालावाड़ के कनवाड़ा सरपंच और कलमंडी कला के सरपंच ने दिल्ली में आयोजित सेमिनार में भाग लिया। विश्व फाउंडेशन की ओर से दिल्ली में सेमिनार का आयोजन। झालावाड़ के आवर में निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन। कांग्रेस नेता प्रमोद जैन भाया ने शिविर का उद्घाटन किया। शिविर में कुल मिलाकर 500 रजिस्ट्रेशन हुए, जिनमें से 150 मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन होगा। झालावाड़ के कामखेड़ा में पिछले 15 सालों से सरकारी गेस्ट हाउस का दुरुपयोग, अब ये शराबियों का अड्डा। संरक्षण के अभाव में गेस्ट हाउस बदहाली का शिकार, वहीं प्रशासन का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं। झालावाड़ के चोमेला में महिंद्रा ट्रैक्टर्स शोरूम का उद्घाटन। इस मौके पर विधायक आरसी सुनारीवाल सहित कई लोग मौजूद। झालावाड़ के कुमठिया गांव में आरोग्य राजस्थान स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। शिविर में 133 मरीजों की जांच। गंभीर बीमारी होने पर 5 मरीजों को रेफर किया गया, वहीं शिविर में डॉक्टरों का पूरा स्टाफ मौजूद रहा। झालावाड़ के अकलेरा में यादें मां जयंती के मौके पर प्रजापति समाज ने जागृति रैली निकाली। इस दौरान रैली का जगह जगह स्वागत। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में सेठ बिहारी लाल छावड़ा कॉलेज में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन। इस मौके पर स्थानीय विधायक भी मौजूद रहे। उत्कृष्ट काम करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान कॉलेज प्रशासन ने अपना वार्षिक लेखा जोखा भी प्रस्तुत किया। श्रीगंगानगर जिले के रामसिंहपुर गांव में पुलिस ने 54 पब्बे देशी शराब के बरामद किए। पुलिस को देख आरोपी मौके से फरार। अनूपगढ़ में लंबे समय से बंद पड़ी केमिकल मिल में चोरों ने हाथ साफ किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। श्रीगंगानगर के रावला मंडी में सफाई कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक पर सभा का आयोजन किया। जेएनयू मामले में कन्हैया को रिहा करने की मांग को लेकर गृहमंत्री का पुतला फूंका। श्रीगंगानगर के साधु शहर में ग्रामीण और शहरी निजी स्कूल संचालकों ने शिक्षा विभाग के निदेशक को ज्ञापन सौंपा, साथ ही कई मांगों को लेकर समस्या समाधान की मांग की। श्रीगंगानगर की ग्राम पंचायत 21 जीबी में पानी की डिग्गी की सफाई नहीं हुई, ग्रामीण दूषित पानी पीने को मजबूर। डिग्गी में पानी डालने वाली नालियां गंदगी से भरी हुई है, लोगों ने डिग्गियों को साफ करने की मांग की। श्रीगंगानगर की ग्राम पंचायत 32 जीबी में स्वच्छता अभियान की पोल खुल रही है, यहां घरों से निकलता गंदा पानी नालियों में बह रहा है। गलियों में गंदे पानी के जमा होने से लोगों को परेशानी, वहीं स्थानीय लोगों ने स्वच्छता अभियान शुरू कर गलियों की सफाई करने की मांग की।
श्रीगंगानगर की ग्राम पंचायत 21 GB में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई, यहां बिजली के तार जमीन को छू रहे हैं। बिजली के तार नीचे होने पर लोगों ने खेतों में लकड़ी के खंभे लगा रखे हैं। बिजली विभाग को कई बार जानकारी देने के बाद भी कार्रवाई नहीं। बारा जिले के मांगरोल में रक्तदान शिविर का आयोजन, रक्तदान शिविर में लोगों ने 52 यूनिट रक्तदान किया। बारा जिले के ग्राम पंचायत रेलावन में निःशुल्क नेत्र परीक्षण और मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन। बारा जिले के कोयला गांव में खैरखड़ी नदी के पुलिया का निर्माण बेहद ही धीमी गति से, यहां पिछले 4 साल से पुलिया का निर्माण काम जारी। शिविर में 456 मरीजों की आंखों की जांच की गई, साथ ही 63 मरीजों को ऑपरेशन के लिए कोटा रेफर किया। लोगों को खस्ता हाल पुलिया से गुजरने में परेशानी हो रही है, आसपास के कई गांवों का रास्ता बारिश के दिनों में बंद हो जाता है। मामला बारा का। बारा जिले के केलवाड़ा में स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय का निर्माण करवाया जा रहा है, यहां शौचालय निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल का आरोप। ठेकेदार और पंचायत की मिलीभगत से शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है, शिकायत के बाद भी पंचायत प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। बारा जिले के छबड़ा में लोडिंग वाहनों को सवारी गाड़ियों में काम लिया जा रहा है, पुलिस प्रशासन की अनदेखी के कारण हादसे की आशंका लगातार बनी हुई। लोडिंग वाहनों में भी ओवरलोड सवारियों को भरा जा रहा है, कई बार लोगों ने परिवहन विभाग को इसकी शिकायत की लेकिन कार्रवाई अब तक नहीं। भीलवाड़ा जिले के बनेड़ा थाना क्षेत्र के बल्दरखा गांव के सरकारी उच्च प्राथमिक स्कूल में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया, चोर ताला तोड़कर कंप्यूटर कक्ष से 9 कंप्यूटर और LCD चुरा ले गए। स्कूल में स्टाफ आने के बाद चोरी का पता चला, प्रधानाचार्य ने बनेड़ा थाने में चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। भीलवाड़ा जिले के फूलिया कला क्षेत्र के कोठिया कलश यात्रा के साथ 7 दिवसीय भागवत कथा का शुभारंभ। भीलवाड़ा जिले की सहग्रेव ग्राम पंचायत में उपसरपंच पंचायत के सामने आमरण अनशन पर बैठा, RTI के तहत सूचना नहीं मिलने पर आमरण अनशन की शुरुआत। उपसरपंच घनश्याम दाधीच ने भ्रष्टाचार की संभावना के चलते सूचना मांगी थी, उपसरपंच को ग्रामीणों का भी भारी समर्थन। भीलवाड़ा जिले के गुलापुरा में राष्ट्रीय राजमार्ग 79 पर बाइक सवार पत्रकार और उसके भाई को मिनी ट्रक ने टक्कर मारी, निम्बाहेड़ा से ब्यावर जा रही ट्रक की टक्कर के बाद दोनों को भीलवाड़ा किया रेफर। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा नगर पालिका के 2016-17 के लिए 33,25,61,000 रुपए का बजट पेश, साथ ही फुलबोर्ड महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए समिति बनाई। कोटा जिले के सुल्तानपुर चिकित्सालय में ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी कार्यालय और रेजिडेंसी हाउस का अब मैप बनाया जाएगा, पिपलदा विधायक ने CAD अधिकारियों के साथ भूमि का अवलोकन किया। NRHM के द्वारा स्वीकृत राशि से CAD परिसर में निर्माण होगा, विधायक ने एस्टिमेट बनाकर जल्द काम शुरू करने के निर्देश दिए। कोटा जिले के नया गांव अरिहान में जन सहयोग से निर्मित 67 फीट ऊंचे लक्ष्मीनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, पहले दिन शोभा यात्रा के बाद संगीत में भागवत कथा शुरू। कोटा जिले के डाबर गांव में स्थानीय विधायक ने CAD अधिकारियों के साथ नहर का निरीक्षण किया, विधायक ने अधिकारियों को नहरी गेट बढ़ाने के निर्देश दिए। नहर का गेट कम होने से किसानों को पानी नहीं मिल रहा, विधायक ने नहर में लगे ओड़ा देखकर नाराजगी जताई और किसानों की परेशानियों को जाना। कोटा जिले के लटूरी गौशाला में गायों के लिए पीने के पानी का संकट, इससे गौशाला संचालक खासे परेशान। गौशाला में हजारों गायों का पालन हो रहा है लेकिन यहां लगे नलकूप में भू जल स्तर में गिरावट से पानी का संकट बढ़ने लगा है। कोटा जिले के कुंदरपुर में मुख्य सड़कों पर गंदा पानी भरा रहता है, इससे वाहन चालकों को भारी परेशानी। यहां पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से लोग परेशान, जिससे सड़कों पर जल जमाव। सड़क पर कीचड़ और फिसलन से वाहन चालक फिसलकर गिर जाते हैं, साथ ही छोटे बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं को आने जाने में परेशानी। नागौर जिले के नोखा चंदवाथा में सार्वजनिक पुस्तकालय का निरीक्षण, निरीक्षण में आगामी सत्र में बेसिक साक्षरता मूल्यांकन का 100% लक्ष्य। नागौर जिले के ददवाड़ा गांव के पास राष्ट्रीय पक्षी मोर घायल अवस्था में मिलने पर ग्रामीणों में रोष, ग्रामीणों ने वन विभाग पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया।
यहाँ आए दिन जंगली जानवर मोर पर हमला करते हैं। वन विभाग की ओर से उचित आश्वासन नहीं मिलने पर इन लोगों ने नाराजगी जताई। नागौर जिले के गागुड़ा सिराधना समेत आसपास के गांवों के किसान परेशान। मौसम में बदलाव होने से किसानों की फसलों को नुकसान। खेतों में खड़ी जीरा गेहूं रायड़ा समेत अन्य फसलों की खराबी की चिंता किसानों को सताने लगी है। पिछले दो दिनों से घने बादल छाए हुए हैं। नागौर जिले के गोठन में 29 फरवरी को विराट धर्म सभा का आयोजन। धर्म सभा में साध्वी ऋतुम्बरा धर्म और अध्यात्म पर चिंतन। नागौर जिले के पादुबड़ी में संत पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी साधु को गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ शुरू कर दी। बुधवार को पादुबड़ी ग्राम में संत अंग्रेज बाबूजी पर जानलेवा हमला हुआ। हमले को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। हनुमानगढ़ जिले के सलेमगढ़ मसानी गांव में रात्रि चौपाल लगाई गई। इस दौरान कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्या सुनी। ग्रामीणों की ज्यादातर समस्याएं पेयजल और सिंचाई पानी को लेकर, जिस पर कलेक्टर ने जल्द समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। हनुमानगढ़ के सतीपुरा गांव में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना को लेकर जल संसाधन मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने गांव का दौरा किया। लोगों को अभियान के बारे में जानकारी दी। अभियान के लिए लोगों से सहयोग करने की अपील। मंत्री के आह्वान पर लोगों ने 5,000 रुपये की धनराशि अभियान के लिए दी। हनुमानगढ़ के गांव 2 KNG सहित कई गांवों में डॉक्टर राम प्रताप ने दौरा किया। इस दौरान मंत्री ने विभिन्न योजनाओं को लेकर शिलान्यास किया। इन योजनाओं का काम जल्द शुरू होगा, इससे लोगों को पूरी सुविधा मिलेगी। पाली के कलाली गांव में जल स्वावलंबन योजना के तहत तालाब की खुदाई का निरीक्षण। पंचायती राज मंत्री सुरेंद्र गोयल ने गांव वालों के सहयोग की बात कर दी। इस दौरान पंचायत समिति में चल रही जल स्वावलंबन योजना के तहत कामों की विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं गांव वालों ने भी अपनी समस्याओं के बारे में बताया। पाली के रोहट में कुत्तों ने राष्ट्रीय पक्षी मोर को दबोच लिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत। पाली के खिवाड़ा गांव में पटवारी भवन बदहाल। पिछले कई सालों से भवन खंडर में तब्दील। भवन में हर समय आवारा पशु घूमते रहते हैं, यहां तक कि इस जगह को कचरा स्टैंड बना दिया गया है। इसके चलते पटवारी को मजबूरी में किराए के मकान में रहना पड़ता है, लेकिन अभी तक अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं। पाली के घोड़ापर गांव में पेड़ों की अवैध कटाई का काम जारी। बिना टेंडर और अनुमति के सैकड़ों बीघा भूमि से पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। गोचर भूमि से पिछले लंबे समय से पेड़ों की कटाई पर कोयला बनाया जा रहा है, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता। राज्य सरकार को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं कोयला भट्टियों से जमीन भी बंजर होती हुई। डूंगरपुर जिले के रास्तापाल गांव की PSC बदहाल स्थिति में। भवन में घटिया निर्माण के चलते जगह जगह दरार। PSC में स्टाफ की कमी। यहां मात्र 2 कंपाउंडर तैनात और दोनों ही महीने में 15 दिन ही सेवाएं देते हैं। डूंगरपुर जिले में सिमलवाड़ा ब्लॉक के रतनपुरा गांव में कलश यात्रा निकाली गई। एकादशी उद्यापन समेत कई धार्मिक कार्यक्रम। डूंगरपुर जिले के पुंजपुर गांव में कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने दौरा किया। कलेक्टर ने जल स्वावलंबन योजना के तहत हो रहे कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ठेकेदार को गुणवत्ता युक्त काम करने के निर्देश। साथ ही पंचायत में कार्मिकों की बैठक लेकर नरेगा भामाशाह और आरोग्य राजस्थान योजना की समीक्षा। डूंगरपुर जिले के आरा गांव में विधायक अनीता कटारा ने जनसुनवाई की। ग्रामीणों ने खुलकर अपनी समस्या बताई और विधायक ने गांव के विकास के लिए सुझाव मांगे। डूंगरपुर जिले के आसपुर में बाल संरक्षण और संवर्धन कार्यक्रम के तहत यूनिसेफ की टीम पहुंची। ग्रामीणों ने यूनिसेफ के सदस्यों का भव्य स्वागत किया। यूनिसेफ के राजस्थान प्रमुख सैमुअल ने सरकारी स्कूलों का दौरा किया और विद्यार्थियों से संवाद कर बाल अधिकार कानूनों की जानकारी दी। झुंझुनू जिले के पोषणा गांव में ट्रांसफार्मर में आग लगने से अफरा तफरी, साथ ही किसानों को भी नुकसान। कई कुओं की मोटर जल गई और कई स्टार्टर भी जल गए। आग पर ग्रामीणों ने काबू पाया। झुंझुनू जिले के सिंघाना में भूमाफियाओं द्वारा दिव्यांग को जलाने के मामले को लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया।
12 फरवरी को बुजुर्ग दिव्यांग को जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद से पीड़ित परिवार खौफ में। झुंझुनू जिले के पचेरी कला में 101 निःशक्त जन और जरूरतमंद महिलाओं को गर्म कपड़े और कंबल बांटे गए। पचेरी कला, रसूलपुर, अरिहान, माजरी, सहड़, पचेरी खुर्द, रामसर, ढाणा, नावता गांव में महिलाओं को कंबल देकर सम्मानित किया गया। झुंझुनू जिले के कलवा गांव में 21 फरवरी को बीसू का उपाध्यक्ष डॉक्टर दिगंबर सिंह के अभिनंदन और शहीद की मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम। झुंझुनू जिले के नरहड़ गांव में महिला दक्षता विकास प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। शिविर में महिलाओं को स्वरोजगार मुखी और सशक्त बनाने पर चर्चा। जयपुर जिले के रेनवाल में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का टेलीफोन 2 महीने से खराब, जिससे मरीजों के परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में भर्ती मरीजों की जानकारी लेने में भी परेशानी। यहां 102 नंबर पर फ्री सर्विस शामिल है, लेकिन शहर में टेलीफोन नंबर बदले जाने से ये सेवा बंद। जयपुर जिले के ग्राम पंचायत राजपुरवास ताला के काली पहाड़ी चारणवास गांव में कुएं का मुख खुला है। कुएं से 10 कदम की दूरी पर उच्च प्राथमिक स्कूल। स्कूल प्रशासन ने कई बार कुएं को ढकने की मांग की। स्कूल के छोटे बच्चे कुएं के पास ही खेलते हैं, जिससे स्कूल प्रशासन में डर। स्कूल जयपुर जिले के शुक्लावास में क्रमिक अनशन और अनिश्चितकालीन धरना, लगातार 30वें दिन भी जारी। अवैध खनन ब्लास्टिंग को रोकने को लेकर ग्रामीण 11 सूत्रीय मांग पर अड़े। पिछले दिनों एनजीटी कोर्ट के निर्देश पर गठित कमेटी ने क्षेत्र के खनन प्रभावित गांव का दौरा किया। अवैध खनन से हुए नुकसान के आकलन के लिए गठित की गई कमेटी ने गांव का दौरा किया। जैसलमेर जिले के रामगढ़ में हिंगलाज माता मंदिर के जीर्णोद्वार और प्रांत प्रतिष्ठा का आगाज। 3 दिन चलने वाले महोत्सव का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ स्थापना। जैसलमेर जिले के तनोट में बीएसएफ की 135वीं वाहिनी ने प्राइमरी स्कूल में सिविक कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में शिक्षा और खेल सामग्री का वितरण। करेंगे जैसलमेर का, जहां जिले के मंगलियावास में स्वावलंबन को लेकर जागरूकता प्रचार कार्यक्रम के तहत विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। जैसलमेर जिले के वडोरा गांव के शहीद उमेश सिंह घाटी के 28वें बलिदान दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आसपास के लोग शामिल। जैसलमेर में भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति ने करनी बाल निकेतन स्कूल में 2 दिवसीय योग और प्राणायाम शिविर का आयोजन किया। शिविर में छात्र छात्राओं को मंत्रोच्चार के बाद योग कराया गया। धौलपुर जिले के बाड़ी में 20 फरवरी को विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन की महासभा का आयोजन होगा। सभा में किसानों की समस्याओं को लेकर बातचीत। धौलपुर की मनिया ग्राम पंचायत स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में 1 दिवसीय शैक्षणिक किशोरी मेले का आयोजन। धौलपुर के बाड़ी में अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा राजस्थान स्टूडेंट्स फेडरेशन की बैठक। छात्र संघ कार्यालय में हुई बैठक में समाज में शिक्षा के हालात पर चर्चा। धौलपुर में मनिया ग्राम पंचायत के गांव बिरौंधा में एक विवाहिता का शव संदिग्ध हालत में घर पर फंदे से लटका मिला। हालांकि परिजन इसे आत्महत्या का मामला बता रहे हैं। धौलपुर में सैफो ग्राम पंचायत के दानोरी गांव स्थित स्कूल में ग्रामीण स्कूल के अंदर पशु बांध देते हैं, मना करने पर स्कूल स्टाफ से मारपीट की जाती है। इतना ही नहीं, स्कूल परिसर में गोबर फेंका जाता है और कंडे भी थापते हैं। शिकायत के बाद भी पंचायत और शिक्षा विभाग इस पर ध्यान नहीं देता। सुरोहू में भूत गांव के शिवनगर कॉलोनी में गंदे पानी के निकास के लिए नालियां नहीं, ऐसे में जमा गंदे पानी से उठती बदबू से लोग परेशान। गंदगी में पैदा हुए मच्छरों से बीमारियों का भी खतरा, पंचायत को शिकायत के बाद भी सफाई नहीं करवाई गई। सिरोही की भटाना में निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन, इससे 130 मरीजों की जांच की गई और 23 मरीजों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन। सिरोही जिले के रेवदर में जेएनयू में राष्ट्र विरोधी नारे लगाने के खिलाफ रोष, इस दौरान भगवा चौक पर आतंकियों का पुतला फूंका। सिरोही के दांतराई में जुजार बावसी का 2 दिवसीय वार्षिक मेला संपन्न, इस मौके पर मंदिर में सजावट के साथ गांव में शोभा यात्रा निकाली गई। सिरोही के जिरावल में एक झोपड़ी में आग लगने से सामान और अनाज जलकर राख, ग्रामीणों की आग बुझाने की कोशिशें कामयाब नहीं रही। दौसा के देवलदा गांव में अवैध संबंधों के चलते विवाहिता की हत्या कर दी गई। पुलिस ने गुत्थी सुलझाते हुए आरोपी पति और जीजा को गिरफ्तार किया। दौसा के पीपलकी कब्बास में देवनारायण आदर्श छात्रावास के अधीक्षक और चौकीदार को निलंबित किया गया। दोनों की कई दिनों से शिकायत मिल रही थी, इस पर सामाजिक न्याय और आधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक ओम प्रकाश ने दोनों कर्मचारियों को निलंबित कर दिया।
दौसा के जिगजीतगढ़ में चाय बनाते समय स्टॉक भभकने से एक ट्रक बुरी तरह से झुलसा, इसे गंभीर हालत में जयपुर किया रेफर। दौसा के सिकराय में बिजली बिल बकायेदारों में हड़कंप, बिजली विभाग ने बकाया जमा नहीं करवाने पर कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू की। दौसा के सिकंदरा में गीजगढ़ रोड पर इलेक्ट्रिक की दुकान पर पुलिस ने मारा छापा, नकली घी बेचने का भंडाफोड़ करते हुए करीब 300 लीटर घी बरामद। पुलिस ने तीन आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। वहीं अवैध रूप से बड़े घरेलू गैस सिलेंडर से छोटे सिलेंडरों में गैस भरने का भी मामला उजागर। उदयपुर के खेड़वाड़ा में कार और बाइक की भिड़ंत, हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। उदयपुर की माउली तहसील कार्यालय के बाहर एबीवीपी ने जेएनयू में राष्ट्र विरोधी नारे लगाने वाले छात्र संगठन के खिलाफ प्रदर्शन किया। उदयपुर के झाड़ोल में बीजेपी देहात जिलाध्यक्ष गुणवंत सिंह झाला का फलासिया और कोटरा में स्वागत। उदयपुर के झाड़ोल में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधान शंकरलाल खराड़ी को फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उदयपुर के वल्लभ नगर में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण की। उदयपुर के चार गदरिया गांव में शादी समारोह में आतिशबाजी के दौरान आग लग गई, ग्रामीणों द्वारा तुरंत आग पर काबू पाने से बड़ा हादसा टला। अजमेर के सरवाड़ और सावर में बड़ी संख्या में महिलाएं नसबंदी ऑपरेशन करवाने आ रही हैं, लेकिन उन्हें पूरी सुविधाएं नहीं मिलती। महिलाओं को नसबंदी करने के बाद फर्श पर ही लिटा दिया जाता है, जिसके चलते महिलाओं में रोष। अजमेर के मसूदा के शेरगढ़ गांव में प्रदेश सरकार की ओर से सिलाई सिखाने का प्रशिक्षण कैंप शुरू, इसमें महिलाओं को कपड़े सिलाई के गुर सिखाए जा रहे हैं। इस कैंप में 20 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इसका उद्देश्य महिलाओं को रोजगार के लिए आत्मनिर्भर बनाना। अजमेर में पिसंगन के दातड़ा गांव का पटवार घर जर्जर होता जा रहा है, सार संभाल की कमी से इस पटवार घर के खिड़की दरवाजे भी नहीं बचे। हाल ये कि पटवार घर की छत में बरसात के दौरान पानी टपकता है, सरपंच की शिकायत पर भी प्रशासन ध्यान नहीं देता। अजमेर के पिसंगन में एक स्कूल में वार्षिकोत्सव और कक्षा 12 के छात्रों का विदाई समारोह हुआ। अजमेर के मसूदा में अस्पताल में सफाई के इंतजाम बदहाल, ऐसे में पूरे अस्पताल में जगह जगह गंदगी और कचरा। अस्पताल की बदहाली पर प्रबंधन और प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, इससे मरीजों को संक्रमण का खतरा। करौली के रानीपुरा पंचायत के भटपुरा गांव में शमशान का हैंडपंप नकारा, ऐसे में अंतिम संस्कार के लिए आने वाले लोगों को परेशानी होती है। लोगों ने जलदाय विभाग और पंचायत को भी शिकायत की, परेशानियों के बावजूद हैंडपंप को ठीक नहीं करवाया गया। करौली में नादोती के गढ़ी स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल के रास्ते पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, ऐसे में छात्रों को स्कूल आने जाने में परेशानी। स्कूल प्रबंधन और ग्रामीणों ने इसकी शिकायत की, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं। करौली में बूरवाड़ गांव के पास दो मोटरसाइकिल की भिड़ंत में चार लोग गंभीर रूप से घायल। करौली के मासलपुर क्षेत्र के धौरियापुरा के पास घाटी की जर्जर हालात से दुर्घटना का डर, कई बार शिकायत के बाद भी घाटी की मरम्मत नहीं कराई जा रही। करौली के मासलपुर को पंचायत समिति बनाए जाने की मांग जोर पकड़ रही है, ग्रामीणों ने इसके लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा। ग्रामीणों की दलील की मासलपुर के तहत 17 पंचायतें हैं, डांग क्षेत्र के विकास के लिए इसे पंचायत समिति बनाया जाए।